वेलकम टू HJ News। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ News। आप भी छींकते समय करते हैं अगर ये गलतियां, जी हाँ, तो चलिए जानिए क्या है छींकने का सही तरीका। छींकना किसी के लिए एक आम बात है, ये शरीर की एक सामान्य क्रिया है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम के दौरान छींक आती है तो किसी को किसी तरह की एलर्जी से छींक आती है, लेकिन बहुत से अजीब लोग हैं जो अजीब तरीके से छींकते हैं। हम सभी को बचपन में सिखाया जाता है कि छींकने के बाद सॉरी या एक्सक्यूज़ मी कहें, लेकिन हम कभी कभी छींकने के बाद ये भूल जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि हमें किस तरह से छींकना चाहिए ताकि सामने वाला भी बीमार ना पड़े और आपको भी तकलीफ ना हो। सभी जानते हैं कि छींकने के लिए हर वक्त कोई हमेशा रुमाल या टिश्यू पेपर लेकर नहीं चलता, लेकिन अगर आप अपने हाथों में छींकते हैं तो आप दूसरों को बड़े आसानी से बीमार कर देते हैं। दरअसल आप उसी हाथ से दरवाज़ा खोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, इसके ज़रिए आपके हाथों के कीटाणु दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। अगर कोई अपने हाथों में छींकता है तो वो कीटाणुओं के लिए मौका बनता है ताकि वो दूसरों तक पहुँच जाए। इसीलिए जब भी आप छींकें तो अपने हाथों को तुरंत साफ़ करें ताकि आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहें। अगर छींकते वक्त आपके पास रुमाल या टिश्यू पेपर नहीं है तो आप टी शर्ट व शर्ट के स्लीव में छींक सकते हैं, ना कि अपनी हथेलियों पर। ये महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि छींकने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। छींकने का शिष्टाचार CDC रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा एक दशक से अधिक समय से जारी किया गया है। अगली बार जब आप अपने वायुमार्ग से 1,00,000 बैक्टीरिया को बाहर निकालने का आग्रह करते हैं तो हम यही सुझाव देते हैं कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ News।